चलो नलायक बच्चों, अभी अभी मैंने आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन करा दिया, आप लोगों के लिए करता हूँ यार ये सब रिकॉर्डिंग। ऐसे मत सोचना कि मुझे कुछ मतलब कि आप लोगों के लिए करता हूँ, कल को अगर आपको जरूरत पड़े तो बैकअप तो मिले कम से कम आपको। समझती नहीं है ये? हाँ ओ थैंक्स। इसने मुझे बोला कि सर आपकी वीडियो ना इंडियाज बेस्ट वीडियो है। मैं कहा आप यूज़ते नहीं लग रहे, आएंगे एक दिन आएंगे। क्या क्या? अबे ओ वो टाइम पास नहीं है, दैट इज लव। टाइम पास आओ, टाइम पास क्या है? आओ सर। हाँ सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। द कैपिटल ऑफ द फॉर्म, द कैपिटल ऑफ द फॉर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख रुपीज। डन सर। सर इसके अलावा कुछ नहीं बोला तो मुझे पता चल गया ये 10 लाख रुपीज क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड। अब मैं जल्दी से जाके अपने अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर अभी देख लेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल इंप्लॉयड। बताओ सर कैपिटल इंप्लॉयड कितना? अरे कैपिटल इंप्लॉयड बोलो, आप भी नोट करना बच्चे साथ में। कैपिटल इंप्लॉयड से मुझे मिल गया 10 लाख रुपए। डन सर। सर आगे चले, आगे बोला एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। अभी देखो सर, अभी देखना सर, मुझे दो चीजें मिल गई ना। क्या क्या मिल गया? कैपिटल इंप्लॉयड मिल गया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। इन दोनों चीजों से क्या निकल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। सर वो मैं निकाल लेता हूँ, मुझे बाद की ना भसड़ नहीं चाहिए सर, तो मैं निकाल लेता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी बच्चे बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 10 लाख मल्टीप्लाई 15%, बताना सर कितना आ रहा है? अरे नलायक बच्चे बताओ ना, 1,50,000। इसको सीरियसली लग रहा है कि मुझे नहीं आता। आगे एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। सैलरी एनुअली है और 60,000 ईच है। पार्टनर कितने हैं? दो पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर की सैलरी मिला के कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। डन सर। आगे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर, प्रॉफिट कितने कितने थे? सर 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। सर डन सर। अगर मैं इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। लेकिन बेटा एक बात इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखनी है, इन्होंने ना इसको प्रॉफिट बोला हुआ है बेटा। डन। इसका मतलब इन्होंने इसमें से पार्टनर्स की सैलरी को लेस नहीं किया हुआ है। अपने को पता है इस पार्टनर की सैलरी कितनी है? 1,20,000 दोनों पार्टनर के मिला के। तो सर हम जल्दी से निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट, थैंक्स ब्रो। सर पहली प्रॉफिट कितनी थी? पहला प्रॉफिट था सर 3 लाख, माइनस दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी? 1,20,000 रुपये मैंने पहले साल के प्रॉफिट में से घटा दिया। अरे दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है? 3,60,000 माइनस सर 1,20,000 मैंने घटा दिया इस साल का, क्या नाम है, दोनों पार्टनर्स की सैलरी। सर तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 रुपये। सर इसमें से भी मैंने घटा दिया दोनों पार्टनर की सैलरी। सर इसको डिवाइड कितने से करें? नलायक बच्चे बोलो 3 से। सर बताना कितना आ रहा है ये सब करने के बाद? अरे कितना आ रहा है? 2,40,000। डन है बेटा। अब सर देखो सर, सर मुझे दो चीज़ें मिल गई, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया और एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया। इन दोनों को यूज करके मैं क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालते हैं सर। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। डन सर। एवरेज प्रॉफिट कितना? 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 1,50,000। बताओ सर सुपर प्रॉफिट कितना आया? सर 90,000। डन सर। सर हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया, स्टेप टू क्या था सर? गुडविल। गुडविल सर, गुडविल। सर गुडविल के लिए लेकिन हमें नंबर्स ऑफ ईयर चाहिए होता है। हाँ जी सर, देखना क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ ईयर दिया है क्या? सर 2 ईयर्स दिया हुआ है सर, 2 ईयर्स। आ जाओ सर ले लो। तो 90,000 सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना? 2। आंसर इज 1,80,000। डन सर। आंसर आ रहा है क्या नलायक बच्चों? आंसर आ रहा है क्या? मजा आ गया सर, क्वेश्चन हो गया खटाक। चलो सर आगे चलते हैं।
चलो जी बच्चों एक बार फिर से आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14th पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14th बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बेटा? अरे सावेद आलम सर का फोन आ रहा है, अभी नहीं बात कर पाऊंगा सर, क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अतुल बिपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड रुपीज 50,000। डन सर? सर मुझे पता चल गया 50,000 क्या है। अरे 50,000 क्या? कैपिटल लिमिटेड। बताओ कितनी इंटेलिजेंट लड़की है बेटा, आओ लिखो सर। कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 50,000। बेटा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नालायक बच्चों कुछ बोलना नहीं फालतू। आओ सर, ऑन एन एवरेज, मैडम ध्यान से बेटा यहाँ पे कुछ निकलेगा। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर 16,000। ये 16,000 क्या है? एवरेज प्रॉफिट। बस बेटा ऐसे बच्चे मुझे चाहिए थे बेटा, और मुझे ऐसे बच्चे मिल गए बेटा। अब आप लोगों पे सवाल होके बेटा मैं आपको दिलाऊंगा ऑल इंडिया रैंक, आपके करूंगा 50। हाँ अभी नहीं आया, अभी आओ चले। 16,000 आगे सर, आगे चलते सर, आगे क्या बोला हुआ बेटा अब तू बताएगा। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज कितना? 15। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हे अबे पागल है क्या? आओ सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। बेटा बता, मैं कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को यूज करके क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालो बच्चे। नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 मल्टीप्लाई 15% से कितना आ गया बोलो? 75 नहीं बेटा, 7,500। जीवन में नलायक ही रहोगे क्या? ओ सॉरी माय फॉल्ट बेटा, माय फॉल्ट। हाँ नाम क्या है आपका? संस्कृति मैडम। चलो सर, मैडम संस्कृति मैडम ने सही बताया। अच्छा अब मैं एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को यूज करके क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? सुपर प्रॉफिट। बेटा सुपर प्रॉफिट निकाल दो, सुपर प्रॉफिट सर 16,000 माइनस 7,500 कितना आया बेटा? अरे सुपर प्रॉफिट कितना आया? डन बेटा। अनन्या मैडम मुझे एक सवाल बताएगी, जवाब बताएगी बेटा। आगे लिखा हुआ गुडविल इज टू बी परचेज एट 4 ईयर परचेजेस ऑफ अ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। क्या बोल रहा है ये लाइन? बोल रहा है सर आपका नंबर्स ऑफ ये परचेज कितना है? बस सर खत्म हो गया सर। गुडविल, गुडविल से कितना? 8,500 मल्टीप्लाई 4। आंसर इज कितना आएगा बताना, मल्टीप्लाई करके 34,000। डन सर। हाँ क्या पूछा था बेटा? मैं बताता हूँ बेटा उसका मतलब भी। देख वो घुमा फिरा के जैसे इंग्लिश में एक ही बात बोल रहा है। देखो अगर बच्चा जानना चाहता है बच्चे को बता देता हूँ बेटा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेजेस। इससे तो मुझे पता चला 4 ईयर मिला, लेकिन 4 ईयर किसका सर? 4 ईयर हमें करना है सुपर प्रॉफिट का। देखो इसने सुपर प्रॉफिट को किस लैंग्वेज में बोला सर? इतनी बड़ी लाइन का मतलब पता है क्या? इतनी बड़ी लाइन का मतलब है सुपर प्रॉफिट। विश्वास नहीं होता तो पढ़ो। एक्सेस ऑफ प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन मनी इन्वेस्टेड। आपने मनी कितना इन्वेस्ट किया है? 50,000। उसका 15% से ऊपर जो भी आएगा, 50,000 का 15% कितना? 7,500। उससे ऊपर कितना आ रहा है सर हमारा? 8,500 आ रहा है ना ऊपर, देखो ना सर क्वेश्चन में। तो फिर गुडविल क्यों? एक तो आप इंडस्ट्री से कम पैसा कमा रहे हो और आपको गुडविल भी चाहिए, वाह। एक तो इसकी पिक्चर ही नहीं चल रही, ये तो वही बात हुई। एक तो मेरी पिक्चर ही नहीं चल रही और मुझे सर सबसे ज्यादा पैसा दो। अच्छा जी नहीं मैडम ऐसे नहीं होगा, पैसा सलमान को ही ज्यादा मिलेगा बेटा।